बहराइच से। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत सुजोली के, सुजोली में, जहाँ पे PSC है सुजोली। तो आज यहाँ पे कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला हुआ है, जिसे महामारी घोषित किया गया है, उसको लेकर दिल्ली और हल्द्वानी से जो बाहर कामगीर लड़के हैं वो सभी लोग आए थे अपना चेकअप कराने। तो प्रथम दृष्टया तो यहाँ पे 2-3 लोग उपलब्ध हैं, और जबकि जो लिस्ट बनाई गई है वो लोग बाहर फील्ड में काम करने अपना यानी चेकअप करने गए हुए हैं। तो यहाँ पे 2-3 लोग हैं, तो उनसे जब पूछा गया किस तरीके से होती है यानी क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वहाँ पे नॉर्मल तौर पे बताया गया कि जैसे उनको चेकअप कर पूछ लिया जाता है कि खांसी है, जुकाम है, इस तरीके से। तो सोचने वाली बात यही है कि इसी तरीके से कोरोना की जांच होती है क्या? हम इसी तरीके से टेम्परेचर नाप के पूछ के लोगों से पता कर पाएंगे कि भाई साहब आपको कोरोना है कि नहीं है? और यहाँ पे मैंने कई लोगों से पूछा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि किस तरीके से होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास मशीन भी उपलब्ध नहीं है। नॉर्मल तौर पर ये सिर्फ उनसे चेकअप करते हैं, एक तरीके से सिर्फ पूछ लिया कि आपको फीवर है, जुकाम है, खांसी है, पेन है, क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है कोरोना को, लेकिन उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बहराइच खुद ही एक्टिव नहीं है। और जब हमने फार्मेसिस्ट रितेश मिश्रा जी को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब ना देकर फ़ोन बीच में डिस्कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद दोबारा कॉल करने पर उन्होंने कॉल रिसीव भी नहीं की। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप? बाजपुर बनकटी से। क्या नाम पड़ता है? राम खिलावन। आप दोनों लोग बाहर थे? हाँ, बाहर गए थे। अच्छा। हमारा दीपक कुमार। आपका दीपक कुमार है? हाँ जी। तो बहराइच में आपका चेकअप हुआ था? नहीं, वहाँ बॉर्डर पे हुआ था, दिल्ली में, उत्तराखंड। कितने दिन हो गए? आज 4 दिन, तो 8 दिन हुआ हमका। 8 दिन चेकअप के हुए हैं। किसको गए थे हमको? 4 दिन आए, तो कल चले थे। आपको कुछ ऐसा लग रहा है, जुकाम, खांसी, इस तरीके की कोई चीज़ें? कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? तो आप कहे से आए थे? उधर से आए हैं, पैदल आए हैं। जो साधन मिला तो वैसे पैदल आए, फिर साधन जो यहाँ पे बनकटी आए हुए। कितना टाइम हो गया बनकटी? तो हमको तो कल शाम को आए, 4 घंटा हो गया। 2-3 घंटे हुए हैं। तो किस साइड से आए थे आप? किधर से? हम लोग बहराइच होके लखीमपुर होते हैं, इधर होते हैं। तो लखीमपुर में कहीं जांच के लिए आपको रोका नहीं गया? नहीं, कहीं नहीं रोका गया। यानी बॉर्डर पार किया गिरजापुरी बैराज पे? नहीं, कहीं कुछ। सुजोली पुलिस का कोई नहीं था? नहीं, सुजोली पुलिस अभी थे, ये आए हैं। हम तो शाम को आए थे, शाम को कोई नहीं। अच्छा, तो अभी तो आपके हॉस्पिटल में कोई है नहीं हमको लग रहा है। भाई साहब एक मिनट, कोई लोग हों बोल सकते हैं? चलिए, यहाँ पे तो कोई मौजूद है नहीं। तो आपने नाम बता दिया है, इन लोगों को एक रजिस्टर पे लिखवा दीजिए अपना नाम, वो चेकअप करवाएंगे। ठीक है भैया? चफरिया से आप सभी लोग? जी सर। अच्छा, क्या नाम पड़ता है आपका? सर्वेश कुमार। आपका? जयवीर मौर्या। आपका? रंजीत मौर्या। आपका? मौर्या। और आपका? कृष्णा मौर्या। आप सभी लोग उधर के ही हैं? कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से। अच्छा, तो आपका कहाँ चेकअप हुआ था? तिकुनिया में। आज ही करवाए थे। तो वहाँ पे कोई टेम्परेचर ना पा गया था? जी, टेम्परेचर नहीं, ऐसे चेक किए थे तो जैसे बता रहे। सिर्फ नॉर्मल तौर पे पैरासिटामॉल की गोली वहाँ पी दे दी गई क्या? अच्छा, मशीन से किए थे तो बॉडी टेम्परेचर देखता है वो। चलिए ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे नाम लिखवा दीजिए। आप लोग चेक करेंगे इन लोगों? हाँ सर, हम भी हल्द्वानी से। भाई साहब, भैया जी, बता दीजिए, आप ही से पूछ रहे हैं। अब क्या है कि मशीन तो है नहीं भैया? नहीं, तो किस तरीके से, यानी जो मिश्रा जी की टीम, रितेश मिश्रा जी फार्मेसिस्ट हैं, इनकी टीम निकली हूई है, किस तरीके से चेकअप हो रहा है? यानी सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? नहीं, उनसे पूछा जा रहा है कि खांसी, जुकाम, सांस लेने में कोई समस्या तो नहीं है, और किसी को कोई समस्या होती है तो 108 जाती है, उसको ले आती है, चेकअप होता है उसका। नहीं तो किस तरीके का यहाँ पे चेकअप होता है? ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। जैसे अभी मैंने फ़ोन किया उनसे पूछने के लिए, तो वो बीच में फ़ोन काट के भाग गए। तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं अगर, तो ऐसे कब तक चलेगा? कि यहाँ कौन जिम्मेदारी करेगा ये बताइए? जो टीम यहाँ है वो गई है चेकअप करने गाँव, अब यहाँ तो कोई है नहीं। अब जब वो आ जाएगी तभी चेक। कितने लोग की टीम है? यानी सुजोली की? हाँ, पूरी सुजोली की। नहीं, सुजोली की 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। तो यानी कोई एक हॉस्पिटल पर नहीं बैठना चाहिए कि जो मेन? हाँ, तो एक आदमी को तो बैठना ही चाहिए। तो बैठे हैं ना? कहाँ बैठा है? मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा है। अभी भाई साहब लोगों ने कहा यहाँ पे कोई नहीं है? 4 तीन गए हो गए, दादा हैं।
एलडी साहब है ना? नहीं तो मेरे को कोई नहीं दिखा यहाँ पे तो होंगे अंदर होंगे, थोड़ा बातें वातें में कहीं चले गए होंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि आपके यहाँ से ये लोग आ रहे हैं, आप लोग वापस जा रहे थे ना? हाँ जी। तो हॉस्पिटल से आपके बंदा आ रहा है, कोई बता नहीं रहा, तो इसका मतलब वापस जा रहा है, तो क्या फ़ायदा चेकअप का? नहीं ये तो बात सही है, यानी सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, नौकरी के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है सुजोली में, कहने का मतलब यही है। जो आप समझ रहे हो समझ।